Yeah. So in this question, the number of male fishes were 5, the number of female fishes were 8, total number of fishes were 13. The probability of getting a male fish is number of favorable outcome upon total possible outcome, यानी कि 5/13. तो क्लास ये 11 बड़ा इजी था, 12th वाला भी इजी आप खुद ही करेंगे. मैं 13th और 14th आपको बताता हूँ. 12th वाले को होमवर्क में लिख लीजिए. 13 क्वेश्चन देखिए. अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. एक डाई को एक ही बार हमने फेंका है, ध्यान दीजिए. अगर किसी डाई को एक बार फेंकोगे तो बताइए कितने आउटकम्स आएंगे उसके. सिक्स आउटकम्स आएंगे, यू नो दैट. अब आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. पहले मुझे बताइए प्राइम नंबर कौन कौन से, एक से छह तक. थ्री फाइव, यानी कि तीन फेवरेबल हैं और टोटल है सिक्स. तो आंसर आगे 1/2. और आप है ना ऐसे भी लिखना है यहाँ पर, ताकि हमें चेकिंग करते समय ज़रा आसानी रहे कि ये प्राइम नंबर आपने चूज किए, राइट. सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइन बिटवीन. अब ये देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा लाइन बिटवीन, भाई दो और छः के बीच में लाइन कर रहा है, तो दो और छः को काउंट नहीं करना है. ऐसे में दिक्कत हो तो पेपर हिंदी में भी होता है, पता है ना, CBSE बोर्ड के पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे होते हैं, तो हिंदी में पढ़ के देख लेना अगर कोई डाउट हो. क्योंकि एक बार ऐसे क्वेश्चन आया बिटवीन 100 और बच्चों ने 1 और 100 को भी काउंट कर लिया, तो हम सबका राउंड होगा, ठीक है. 1 और 100 के बीच वाले हो जाएंगे, बिटवीन का मतलब आपको पता होना चाहिए. तो 2 और 6 के बीच में तीन नंबर है बेटा, 3, 4 और 5, 3/6 यानी कि 1/2 हो गया, राइट. ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, बुक इन्हें दे दीजिए आप. थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. तरनदीप आप बताइए ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, कितने ऑड नंबर हैं 1 से 6 में. वेरी बैड, तीन ऑड नंबर है, 1, 3 और 5, यानी कि 1/2 हो जाएगा. फेवरेबल हर बार 3 है, चेक कर लीजिए आंसर एक बार पीछे से, तीनों का आंसर 1/2 आ रहा है. टैली करते रहिए आंसर, वैसे तो सही होंगे फिर भी टैली करते रहिए. 14 क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डैक ऑफ कार्ड. वेल शफल्ड डैक का मतलब होता है अच्छी तरह से कार्ड्स को शफल किया हुआ, अच्छी तरह से फेंटी मार रखी है. अगर आप ताश खेलना जानते हैं तो देखते हो ना, शफल करते रहते हैं बार बार, ठीक है. 14 क्वेश्चन में आप फर्स्ट पार्ट में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर. मैं सबके लिए ई का ही प्रयोग कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लिख रहा हूँ. आप चाहें तो वैसे लिख सकते हैं किंग ऑफ रेड कलर. अब बताओ टोटल कितने किंग होते हैं, 4, उसमें से कितने 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे, और टोटल हमेशा 52 ही रहेगा, राइट. तो किंग ऑफ रेड कलर फेवरेबल 2 हो जाएंगे, राइट. तो आंसर आ जाएगा 2/52 यानी कि 1/23. आई रिपीट, आंसर फ्रैक्शन में ही छोड़ने, आंसर को डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट है बेटा फेस कार्ड. अच्छा फेस कार्ड में लिखना भूल गया, जो कलर कार्ड्स होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं. फेस कार्ड मैंने वहाँ पर लिखा नहीं, कलर कार्ड. इसमें पहले एसेस भी आते थे पर अब नहीं आते, मतलब जिन पे पिक्चर बनी होती है वो फेस कार्ड होते हैं. तो फेस कार्ड में कौन कौन आ गया, 5, 4 जैक्स, 4 क्वीन और 4 किंग. तो कितने फेस कार्ड है टोटल, 12, ठीक है. 4, 3, 4, 13, 52, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 3/13 आ जाएगा, राइट. 3/12 ही 3/13 आ जाएगा. अगला है रेड फेस कार्ड. अब बताइए कुल 12 फेस कार्ड थे, आपको पता 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे, 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे, इस बात को ध्यान में रखो. तो यानी कि 6/52, तो ये कितना आ गया, 3/26, राइट. फोर्थ पार्ट देखिए, जैक ऑफ हार्ट्स. बताइए हार्ट वाला जैक, कुल हार्ट तो 13 होते हैं और जैक 4 होते हैं, और 4 जैक हैं तो एक हार्ट वाला होगा, एक स्पेड वाला होगा, एक क्लब वाला होगा और एक डायमंड वाला होगा, राइट. तो जैक ऑफ हार्ट कितने हो जाएंगे, 1/13 या 1/52. 1/52, वेरी गुड. याद रखना कि टोटल हमेशा आपने किस में से लेना है, 52 में से ही लेना है. तो जैक ऑफ हार्ट 1/52, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 एसेस है ना बेटा, तो एक एस जो है वो स्पेड वाला होगा, एक एस जो है वो क्लब वाला होगा, एक डायमंड वाला होगा और एक स्पेड हो गया, डायमंड हो गया, क्लब हो गया और हार्ट वाला होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना. इसके अलावा फिफ्थ पार्ट देखिए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, अब बताइए फुल स्पेड कितने हैं आपकी ताश में, कितने हैं 13, वेरी गुड। तो आपने अच्छे से वेल शफल किया और हाथ में स्पेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ऑल गैम्बलिंग इज ऑल्सो प्योर मैथमेटिक्स, राइट? ठीक है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी लगती है हर उसमें, हर बिजनेस में, क्रिकेट गेम में, हर जगह प्रोबेबिलिटी है। जो भी फेवरेबल होता है हर कोई वही दाव खेलता है। कोई भी बिजनेस सेट करोगे तो भी प्रोबेबिलिटी चाहिए, पहले ये देखना ऑड और इवन क्या चांसेस है तुम्हारे। अगर जितनी प्रोबेबिलिटी हाई है तो इसका मतलब है वो टीम जीतेगी, चाहे वो मैचेस हैं। पर ये नहीं है कि गैम्बलिंग करने लग जाओ, बट प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड। कल को अगर बिजनेस करोगे अपना तो प्रोबेबिलिटी के फंडे को लगाना। अगला है क्वीन ऑफ डायमंड्स, कुल चार क्वीन है पर चारों क्वीन अलग अलग होंगी, एक डायमंड वाली होगी, एक स्पेड वाली, एक क्लब वाली, एक हार्ट वाली। तो उसमें से क्वीन ऑफ डायमंड की एक ही होगा, ठीक है ना? तो क्लास इसके बाद में 15 क्वेश्चन और 16 थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़े से ट्रिकी भी हैं, ये डिस्कस कराना चाहता हूँ। 15 क्वेश्चन सेज फाइव कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। अब पांच ही पत्ते लिए गए हैं, देखो 10 को लिया गया है, जैक को लिया गया है, क्वीन को लिया गया है, किंग को लिया गया और एस को, और उन पांचों पत्ते को उनका फेस नीचे की तरफ रख के वेल शफल किया गया। अब उनमें से एक कार्ड निकाला गया, तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड हाथ में आया वो क्वीन है? पांच पत्तों में कितनी क्वीन थी? पूरे उसको मत देखो, सिर्फ ये पांच पत्तों को देखो, एक 1/5, राइट? तो आप सेकंड पार्ट देखिए, अगर क्वीन जो निकाली गई है उसको साइड में रख लिया गया है, क्वीन जो निकाली गई है उसको साइड में रख दिया गया है, और अब प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट उठाया गया है, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि एस हाथ में आएगा? बोलो, अब चार पत्ते रह गए टोटल, 1/4, वेरी गुड। और क्वीन हाथ में आएगी उसकी, अरे क्वीन एक ही थी पहले, वो जीरो थी भाई, उसको साइड में रख लिया गया था, राइट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, जीरो बाई कुछ भी आएगा तो आंसर जीरो, राइट? ये ध्यान रखना। क्लास इसके बाद 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन में 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन्स। थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव मतलब खराब पेन्स, कितने डिफेक्टिव पेन दिए हुए हैं? 12 दिए हुए, ठीक है। इसके बाद नॉन डिफेक्टिव मतलब गुड कितने हो गए? 132। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स बताइए, 144 हो गए, राइट? अब कह रहा है सिर्फ पेन को देख के ये बताना बड़ा मुश्किल है कि वो डिफेक्टिव है कि गुड है। अब एक पेन हमने रेंडमली निकाल लिया इस लॉट में से, हमें ये बताना है कि ये गुड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ गुड पेन? बताओ गुड फेवरेबल कितने हैं? 132। टोटल कितने हैं? अब इसे लोएस्ट टर्म में कर दो, 11/12। देखो चार डिफेक्टिव थे, 20 बल्ब है किसी लॉट में, उसमें से चार डिफेक्टिव है, तो पहले उसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपके हाथ में डिफेक्टिव वाला ही बल्ब आ। कितने डिफेक्टिव थे? 4। और टोटल कितने थे? 20। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/20, यानी कि 1/5, ठीक है। आप कह रहे हैं जो बल्ब निकाला गया वो नॉन डिफेक्टिव था, मतलब सही था, उसको पर रिप्लेस नहीं किया, वापस नहीं रखा, और निकाला गया एक और बल्ब, तो अब बताओ नॉन डिफेक्टिव हाथ में आएगा? बोलो बेटा, इसके लिए पहले पार्ट को पढ़ो, उसमें 16 क्या थे?
16 गुट थे ना, पर वो एक बाहर रख लिया गया, तो अब कितने रह गए? 4 कैसे रह गए, 15 रह गए ना, 4 तो खराब थे, आंसर टैली करो, 4 तो खराब थे, तो 16 सही थे, 16 में से एक निकाल दिया गया था, तो 15 रह गए, अब 15 रहे ना, 15 इसके अंदर सही है, 15 इसके अंदर सही है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15/19, एक बार आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है, तो क्लास ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 पर डिस्कस किया।